नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, 3 मई के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए कानून बनेंगे, काफ़ी कुछ बदल जाएगा। पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में जानेंगे, कहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आप घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जनहित में इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और आप जिस भी धर्म के व्यक्ति हैं, आप अपने अल्लाह ईश्वर जो भी आप मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, उनसे दुआ करें कि जल्द से जल्द वैक्सीन या दवाई की खोज हो सके और इस महामारी से पूरी दुनिया के लोगों को राहत मिल सके। आइए विस्तार से जान लेते हैं लैट्स गो। तो दोस्तों, 3 मई के बाद लाइफ यानी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए कानून बनेंगे, काफ़ी कुछ बदल जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी तालाबंदी की तारीख बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है, लेकिन 3 मई के बाद भी लाइफ यानी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। भारत में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। भारत के नागरिकों में कुछ नई आदतें डालने के लिए नए कानून बनाने पड़ेंगे। पुलिस केवल विदाउट हेलमेट पर ही चालान नहीं बनाएगी, बल्कि और भी कई नए तरह के चालान बनेंगे। भारत के नागरिकों की लाइफ स्टाइल क्यों बदल जाएगी? वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगले 2 साल तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अर्थ है, इसके लिए संसद को एक नया कानून बनाना पड़ेगा। ऑफिस में, मॉल में, मंदिर में या पब्लिक प्लेस पर डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए धारा 144 से काम नहीं चलेगा, काफ़ी कुछ बदलना पड़ेगा। सिर्फ एक बार लॉकडाउन से महामारी ख़त्म नहीं होगी, नई स्टडी की रिपोर्ट है। नई स्टडी में शोधकर्ताओं ने कहा है कि आने वाले सालों में कोरोना वायरस फिर से तबाही मचा सकता है। जर्नल साइंस में प्रकाशित हुए शोध में कहा गया है कि सिर्फ एक बार लॉकडाउन करने से महामारी पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। रोकथाम के उपायों के बिना कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज़्यादा भयावह हो सकती है। वैक्सीन या इलाज नहीं खोजा तो 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी महामारी होगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में महामारी विशेषज्ञ और स्टडी के लेखक मार्क लिप्सिच के अनुसार, वैक्सीन या इलाज ना खोजे जा पाने की स्थिति में 2025 में कोरोना वायरस फिर से पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है। महामारी विशेषज्ञ मार्क का कहना है कि वर्तमान में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति को देखते हुए 2020 की गर्मी तक महामारी के अंत की भविष्यवाणी करना सही नहीं है। बाजार में खाद्य सामग्री की उपलब्धता पर नियंत्रण करना पड़ेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में महामारी विशेषज्ञ और स्टडी के लेखक मार्क लिप्सिच ने कहा है कि संक्रमण 2 चीज़ें होने पर फैलता है, एक संक्रमित व्यक्ति और दूसरा कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग। जब तक कि दुनिया की ज़्यादातर आबादी में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो जाती, तब तक बड़ी आबादी के इसके चपेट में आने की आशंका बनी रहेगी। इसका मतलब हुआ लोगों के खान पान को बदलना होगा, क्योंकि मामला महामारी का है, इसलिए यह काम सरकार को करना होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ सस्ते करने होंगे, उत्पादन बढ़ाना होगा। इम्यूनिटी को कमज़ोर करने वाले खाद्य पदार्थों को प्रतिबंधित करना होगा, इसके लिए भी नया कानून बनाना पड़ेगा। ऑटो रिक्शा से लेकर फ्लाइट तक सब कुछ बदलना होगा। यदि इन वैज्ञानिकों की बात सही साबित हुई तो परिवहन के सभी साधन बदल जाएंगे। ऑटो रिक्शा से लेकर फ्लाइट तक यात्रियों के बैठने का इंतजाम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। निश्चित रूप से यह काफ़ी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आप जिस धर्म को मानते हैं, जो भी आपका ईश्वर है, उससे दुआएं करें कि इसकी जो है वैक्सीन या दवाई जल्द से जल्द बने और इस महामारी से सबको राहत मिले। दोस्तों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन का अच्छी तरह से पालन करें, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।